हेलो, मैं हूँ रेखा यादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। एथनिक वेयर किसे पसंद नहीं आते, चाहे ऑफिस हो या कॉलेज या कोई फंक्शन, आप इन्हें हर मौके के लिए कैरी कर सकती हैं। कुर्ते के साथ आजकल सलवार और चूड़ीदार के अलावा लेगिंग्स, प्लाजो, धोती पैंट्स जैसे लोअर्स भी ट्रेंड में हैं। लेकिन इन्हें पहनने का अपना अपना स्टाइल होता है, इसलिए एथनिक वेयर्स के साथ लोअर्स पहनते हुए कभी भी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। स्किन कलर्ड चूड़ीदार या लेगिंग्स। अपने कुर्ते के साथ स्किन कलर की चूड़ीदार या लेगिंग्स कभी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि एक बार देखने पर ऐसा लगता है कि आपने कुर्ते के साथ कुछ पहना ही नहीं है। स्किन कलर बॉटम से लुक बहुत अजीब हो जाता है। ट्रांसपेरेंट फैब्रिक। कुर्ते के लिए सी थ्रू या शीयर फैब्रिक ठीक है, क्योंकि आप इसके नीचे इनर पहन सकती हैं, लेकिन सलवार या प्लाजो के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे ट्रांसपेरेंट बॉटम्स हाई स्लिट कुर्ते के साथ तो और भी गंदे लगेंगे। चूड़ीदार या लेगिंग्स के साथ शॉर्ट कुर्ता पहनना। अपने चूड़ीदार या लेगिंग्स के साथ कभी भी शॉर्ट कुर्ता ना पहने, ये आपके लुक को खराब कर सकता है। लेगिंग्स नी लेंथ या उससे लंबे कुर्ते के साथ अच्छी लगती है। शॉर्ट कुर्ते के साथ लेगिंग्स या चूड़ीदार पहनना अवॉइड करें। पटियाला या सलवार के साथ लॉन्ग कुर्ता। लॉन्ग कुर्ता लेगिंग्स या प्लाजो के साथ ही अच्छा लगता है। पटियाला या सलवार के साथ लॉन्ग कुर्ता आपके लुक को बिगाड़ सकता है। इनके साथ शॉर्ट कुर्ते ही अच्छे लगते हैं। प्लाजो या पटियाला की लेंथ। अक्सर हम रेडीमेड प्लाजो और पटियाला ही खरीदते हैं, लेकिन इस वक्त हम लेंथ का ख्याल नहीं रखते। इनकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि ये ज़मीन पर रगड़ खाएं, और ना ही इतनी शॉर्ट कि इनका लुक ही बिगड़ जाए। तो आगे से कुर्ते के साथ जब भी लेगिंग्स या प्लाजो पहनना हो तो इन फैशन टिप्स का ख्याल रखें। आई होप आपको ये फैशन टिप्स पसंद आए होंगे। हेल्थ, ब्यूटी, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े तमाम इन्फॉर्मेशन और टिप्स के लिए देखते रहिए बोल्ड स्काई, और हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।